क्या हाल है मेरे दोस्त। तो भाई कोई भी बात मुझसे पर्सनली शेयर करने के लिए, मुझे कुछ कहने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर साथ ही साथ फेसबुक पेज पर कनेक्ट हो सकते हैं। उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे दोस्त। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 3 ऐसी टिप्स के बारे में जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, यूजफुल हो सकती है, और ये 3 टिप्स आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग के साथ साथ परफेक्ट रिलेशनशिप भी बना सकती है। तो क्या है वो 3 टिप्स, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली टिप, गुड कम्युनिकेशन। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रिलेशनशिप चलता ही कम्युनिकेशन पे है, बॉन्डिंग पे है। अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा तो अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। जितनी ज़्यादा आप दोनों के बीच बॉन्डिंग बनेगी उतना रिलेशनशिप अच्छे से चलेगा। आप एक दूसरे को समझने लगेंगे, एक दूसरे की फीलिंग को समझने लगेंगे। आप दोनों एक दूसरे से जब जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। आप चीज़ों इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आजकल के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं, बिकॉज सामने वाला दूसरे पार्टनर को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। अगर कोई बात को लेकर आप दोनों के बीच लड़ाई हो रही है तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, ये नहीं कि गुस्सा होकर बैठ जाओ। जो भी बात है, बात करके, लड़के झगड़ के, कुछ भी करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, बिकॉज इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जितना हो सके, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, कोई भी दिक्कत है, एक दूसरे से बात कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकलेगा ना मेरे दोस्त। और अगर वहाँ से नहीं निकल रहा है तो एक बार मुझसे शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की। तो जितना हो सकता है गुड कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हर चीज़ को शेयर कीजिए जो आप उसके साथ बता सकते हैं। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो पहली और इम्पॉर्टेंट टिप यही थी कि जितना ज़्यादा हो सके कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाइए। दूसरी टिप आती है मेरे दोस्त, डोंट लाई एंड चीट। आपको रिलेशनशिप में चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी सामने वाले को धोखे में नहीं रखना है, कभी सामने वाले को झूठ नहीं बोलना है। बिकॉज अगर आप एक बार झूठ वाले रास्ते पे आ गए, धोखे वाले रास्ते पे आ गए, तो आपका रिलेशनशिप टूटने वाले रास्ते से कोई पीछे नहीं ला सकता। वो रिलेशनशिप टूट जाएगा जहाँ झूठ होगा, धोखा होगा, बिकॉज झूठ के बहुत दिन की ज़िंदगी नहीं होती, उस दिन की ज़िंदगी है। अच्छी ज़िंदगी आपको 5, 6, 15, 20 दिन की ज़िंदगी आपको दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये रिलेशनशिप टूट जाएगा, बिकॉज जहाँ झूठ आ गया, जहाँ धोखा आ गया, वहाँ रिलेशनशिप नहीं वर्क करते। जितना हो सकता है आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके दिल में कोई भी फीलिंग है, कोई भी चीज़ है जो आप शेयर कर सकते हैं, जो आप बता सकते हैं, तो डायरेक्टली उसको बताइए। जितना हो सकता है उसके साथ फ्रीली बात कीजिए, जितना हो सकता है उसको डायरेक्टली बताइए कि हाँ मैं ये फील करता हूँ। बिकॉज जितना ज़्यादा आप उसको बताएंगे, जितना ज़्यादा आप उसके साथ बात करेंगे, वो आपको समझेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं तो वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा मेरे दोस्त। जितना हो सकता है आपको सच बोलना है, जो बात आप फील कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो मेरे दोस्त कि आप किसी और लड़की को, या कोई लड़की किसी और लड़के को लाइक करती है, या क्रश है, या जो भी है, तो अपने पार्टनर को डायरेक्टली बोलना मेरे दोस्त। बिकॉज ऐसे टाइम पर आप एक टाइम पर 2 जिंदगी खराब कर रहे हो। पहली जिंदगी उस बंदे की जो आपके साथ रिलेशनशिप में, और दूसरी जिंदगी उस लड़की की या उस लड़के की जिसको आप लाइक और लव करते हो। बिकॉज आप एक रिलेशनशिप में तो हो, उसके साथ तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ दूसरे से भी बात कर रहे हो, तो ये आप एक साथ 2 रिलेशनशिप के साथ धोखे कर रहे हो। तो जितना हो सकता है रियलिटी के साथ चलिए, सच्चाई के साथ चलिए, झूठ से बहुत दूर रहिए, धोखे से बहुत दूर रहिए। समझ गए होंगे मेरी दूसरी टिप को, डोंट लाई एंड डोंट चीट। थर्ड रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंट टिप ये है कि झूठे वादे ना कीजिए, डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। अगर आपको रिलेशनशिप को बहुत लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है और सक्सेसफुल बनाना है, तो कभी भी खुशी में आकर या रोते टाइम ऐसे वादे ना कीजिए जो आप फुलफिल ना कर सकें। बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि इंसान जब खुश होता है या जब वो रोता है तो वो ऐसे प्रोमिसेस कर देता है जो उसको बाद में समझ आते हैं कि मैं इन्हें कभी पूरा नहीं कर सकता। तो जितना हो सकता है इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि वही चीज़ बतानी है आपको, वही चीज़ अपने आप से सामने वाले पार्टनर को बतानी है जो चीज़ आप पूरी कर सकें, वही प्रॉमिस आपको करना है जो आप पूरा कर सकें। डोंट मेक फॉल्स कमिटमेंट। अगर आपने झूठे कमिटमेंट कर दिए, झूठे वादे कर दिए, तो सामने वाले का विश्वास टूट जाएगा, और एक बार अगर विश्वास टूट गया तो मेरी बताई गई 3 टिप्स खत्म है, 0 है मेरी 3 टिप्स। बिकॉज रिलेशनशिप की रीढ़ की हड्डी ही ट्रस्ट है, जहाँ ट्रस्ट टूटा रिलेशनशिप टूट गया। और यह किसी बेवकूफ़ ने ये बात कही है कि ट्रस्ट एक बार टूटने के बाद दोबारा बन जाता है, नहीं बनता मेरे दोस्त। बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है जब एक बार ट्रस्ट टूट जाए और वापस उसी इंसान पर ट्रस्ट करा जाए,
बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जितना हो सकता है ट्रस्ट टूटने मत देना मेरे दोस्त, जितना हो सकता है सच बोलना है आपको, जो प्रॉमिस आप पूरे कर सकते हैं वही प्रॉमिस आपको सामने वाले के साथ कमिटमेंट उन्हीं प्रॉमिस की करनी है, झूठे वादे नहीं करने। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को बोले हाँ मैं जैसे शादी करूँगा लाइन टाइम पर आप पलट जाए। तो डोंट मेक फॉल्स कमिटमेंट, डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस, जो है सच बोलना है। तो कुल मिला के इस वीडियो में सिर्फ यही था, तीनों टिप आपको फिर से बता देता हूँ। पहली टिप हमारी ये थी कि गुड कम्युनिकेशन, दूसरी टिप हमारी ये थी डोंट लाई एंड डोंट चीट, और तीसरी टिप हमारी ये थी डोंट मेक फॉल्स कमिटमेंट और डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस, यही। तो जितना हो सके इन तीन टिप्स को समझना। अगर मेरी इस वीडियो से मेरे दोस्त कुछ चीज़ समझ आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं इन तीन टिप्स को मैं अलग अलग करके तीनों वीडियो में अलग अलग पार्ट में समझाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इन तीनों टिप्स पर भी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।